राजस्थान में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 1000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं जयपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो चुकी है। बता दें कि राजस्थान के 25 जिलों में अब तक कोरोना के पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, टोंक और बांसवाड़ा सबसे प्रमुख है, जहां सबसे अधिक संख्या में पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 12 कोरोना पॉजिटिवों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 147 कोरोना पॉजिटिवों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है, जिसमें से 74 कोरोना पॉजिटिवों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। आज रामगंज क्षेत्र में गए थे, प्रताप सिंह खाचरियावास जी साथ में थे, महेश जोशी जी और हमारे दोनों विधायक अमीन खान साहब और रफी खान साहब, और वहाँ पे प्रशासन के साथ धर्म गुरुओं को बुला के और उनसे बात की गई कि आम आदमी को किस तरह से मोटिवेट करें, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्वारंटाइन फैसिलिटी डेवलप करने के लिए निर्देश दिए गए थे नायला के अंदर, जहाँ हाउसिंग बोर्ड के 700 मकान हैं, एक मकान में 4 से लेकर 6 मेंबर्स की फैमिली बहुत आराम से रह सकती है, और वहाँ 2 बाथरूम हैं और सारी तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पे हम देख के आए। और दूसरी क्वारंटाइन की फैसिलिटी उन्होंने मेला में डेवलप करने के निर्देश दिए थे। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा जी, जिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने 20 घंटे से भी कम समय में वहाँ जो व्यवस्थाएं की, उसको देख के हमें बहुत संतोष मिला कि इतना तेजी से प्रशासन ने काम किया है कि वहाँ पानी की टंकियां नई रखी हुई थी, पानी के कनेक्शन करने की कार्रवाई चल रही थी, बिजली के बल्ब लग गए थे, पंखे लग गए थे, सारी फैसिलिटीज। दूसरी तरफ महिला के अंदर 4400 फ्लैट है, तो दोनों को मिला के करीब 12 से 15 हजार लोगों को यहाँ आराम से क्वारंटाइन किया जा सकता है। और जिस तरह से हमारे जो जयपुर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कमिश्नर है टी रविकांत जी, उनकी टीम ने भी व्यवस्था की, दोनों अधिकारियों ने 20 से कम घंटे में जिस तरह की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है। हमने रामगंज क्षेत्र के लोगों को यही कहा है कि आपके घरों से ज्यादा बेटर सुविधाएं मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य सरकार दे रही है आपको, तो आप स्वप्रेरणा से अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं और आपके सैंपल्स आसानी से चिकित्सा विभाग की टीम में ले ले, और आपकी आवाजाही जो आपस में जिस तरह से वहां रुकी हुई है उससे खुली हवा में आप जाके रहेंगे, तो मेरे ख्याल से आम आदमी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा, और सरकार की व्यवस्थाएं जब देख लेंगे लोग तब उनको विश्वास हो जाएगा कि ये कष्ट की जगह नहीं है, ये हम आराम से क्वारंटाइन की जो पीरियड है उसको हम इन जो आवास है इनमें गुजार सकते हैं। राजस्थान में आज कुल पॉजिटिव केसेस 1046 हुए हैं और सबसे ज्यादा केसेस जयपुर में 476, तो कुल मिला के स्थिति तो नियंत्रण में, पर ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं तो उतने ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। और हम तो आम व्यक्ति से यही अपील करना चाहते हैं कि सरकार इतने बड़े पैमाने पर बहुत सुविधाजनक तरीके से क्वारंटाइन फैसिलिटी डेवलप कर रही है, तो उसका लाभ आम व्यक्ति को उठाना चाहिए ताकि बीमारी पर भी नियंत्रण किया जा सके, वो खुद भी ठीक रह सके, उनका परिवार